रखो तो दुआ आसमान में होती है। दोस्तों, आप सभी को हमारे 75वां स्वतंत्रता दिवस जो अभी हम लोगों का आने वाला है, उसको आपको, आपके परिवार को, आपके सभी मित्रों को हमारी तरफ से और हमारे विताका ग्रुप और आदानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, यहाँ इकट्ठा होने का आज जो हमारा पर्पज है वो क्या है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम छेड़ी है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। भैया जोर से बोलो ना, हमको पता ही नहीं चल रहा आप लोगों को पता है कि नहीं, जोर से बोलो यस, खेड़ा है कि नहीं। और उसका नाम दिया है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव ही क्यों दिया उसका नाम, दूसरा नाम क्यों नहीं दिया, उसके पीछे की कोई वजह होगी, होगी कि नहीं होगी? आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे देश की जनता को क्या बताना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या पैदा करना चाहते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है कि नहीं? दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, तिरंगा। तिरंगा है कि नहीं है, क्या है? और तिरंगा में ही अमृत छिपा हुआ है। किसमें अमृत छिपा है? इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इसका अमृत का नाम दिया है तिरंगा, यानी तीन कलर वाला ध्वज जिसको हम लोग प्रणाम करते हैं। दोस्तों, इसके कलर में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है जो प्रधानमंत्री हम सबको एक संदेश देना चाहते हैं। यदि हम इसके सबसे ऊपर के कलर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं केसरी कलर होता है। केसरी कलर हमारे बलिदान, हमारे देश को आजाद करने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, हमारी ताकत, हमारा साहस, हमारा दृढ़ संकल्प, इसको इसका प्रतीक है कि नहीं भाइयों? हमारे मोदी जी यही संदेश देना चाहते हैं। वहीं यदि हम दूसरे नंबर के कलर की बात करते हैं तो जिसको हम लोग सफेद कलर बोलते हैं, सफेद कलर में शांति, सहनशीलता, धर्म, हर चीज का प्रतीक है। हम अपने देश में हमारे बहुत सारे धर्म हैं जिसको हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई बोलते हैं ना, यदि हम एक जैसे, ये हमारी पांच उंगलियां हैं, एक उंगलियों को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि उनको हम इस प्रकार करके मुक्का बना दें तो इसको तोड़ना आसान नहीं है, है क्या? है क्या? जोर से बोलो, है क्या? इसी प्रकार यदि हम लोग देश के हर आदमी ये संकल्प करते हैं कि हम देश के लिए ईमानदारी और साहसी, और देश को, जो हमारा प्रधानमंत्री जी, आज अपने देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, उसको कौन पूरा करेगा? हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसमें आपका जो साहस है, आपका जो संकल्प है, आपका जो एक साथ होना है, वो बहुत जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? वहीं यदि हम तीसरे कलर की बात करते हैं दोस्तों, जो है हरा। हमारे देश में हरियाली, खुशहाली, सांप्रदायिक, जो भी मतलब शांति, इतना देश हमारा खुशहाल रहे कि किसी के घर में भी थोड़ी भी तनिक प्रॉब्लम ना आए। जिस प्रकार हला कलर हरियाली को दर्शाता है, उसी प्रकार हमारे देश के हर पब्लिक, हर नागरिक, हर बच्चा, हर भाई, हर माता ऐसे ही खुशी रहे कि नहीं रहे? तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यदि इसमें से एक भी चीज कहीं रह गई तो जो हमारा सपना है शायद वो पूरा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अब इन तीन कलरों के बीच में एक चक्र है भाई, आप लोग देखिए, इसके बीच में एक चक्र दिया हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं कि नहीं? उसका भी अपना कुछ महत्व होगा, ऐसे तो नहीं दिया गया है बनाने वाले ने, होगा कि नहीं होगा? वो भी हमें कुछ ना कुछ संदेश जरूर देता होगा, देता है कि नहीं देता है? इसको गांधी जी के चरखे से लिया गया है। इसका मतलब है दोस्तों, हमें निरंतर अपना प्रयत्न करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम नियंत्रण प्रयत्न करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रास्ते, किसी ना किसी जगह पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? और यहां बैठे रहेंगे और अहमदाबाद जाने की बात करेंगे तो हमको लगता है कि कभी भी नहीं पहुंचेंगे। पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे ना।
तो दोस्तों, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को दुनिया की सबसे ताकतवर देश बनाने का सपना देखा है, उसमें खड़े हुए हमारे जितने भी भाई लोग हैं, इनमें आप लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम भी यहां खड़े हुए देश के लिए ही काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देश के उद्योग में ही नाम आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश को जो पैसा मिलेगा या उसको जो टैक्स मिलेगा, इससे हमारा देश मजबूत होगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें कहीं ना कहीं हमारे हर एक आदमी की भागीदारी है। यहाँ खड़े हुए, यहाँ अपने घर से इतना दूर, अपने माँ बाप परिवार को कोई भी छोड़ के दूर नहीं जाना चाहता है, कोई भी आदमी काम नहीं करना चाहता है, लेकिन यदि वो करता है तो वो अपने समाज, अपने देश, अपने माता पिता, हर चीज को ध्यान में रख के और उसको ऊपर ले जाने का काम करता है। तो एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियों का खुद ताली बजाए और अपना सम्मान के लिए। इसी के साथ दोस्तों, समय का बहुत अभाव है इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं और हमारे जितने भी मित्र खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी को नहीं पता है, ये सारी चीजें सबको पता है। और मैं एक बार फिर से आपको बोलेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग यहाँ के बाद स्टार्ट करेंगे, अपना राष्ट्रगान करेंगे, उसके बाद राष्ट्रगीत गाएंगे। और मैं एक बार सबसे अनुग्रह करूंगा, आप लोग सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं सब लोग। वंदे मातरम, वंदे